સરદારનગર વિસ્તારમાં આવેલી દોલતરામ મેઘતરામ જ્વેલર્સે ગ્રાહકોનું જૂનું સોનું લઈ તેમને નવું સોનાના દાગીના બનાવી આપવાના બહાને 100 કરતાં વધુ ગ્રાહકો સાથે આશરે 50 લાખ કરતાં વધુની ઠગાઈ કરતા લોકોના ટોળાએ દુકાનનો ઘેરાવો કરવાની ફરજ પડી છે. બનાની વિગત એવી છે કે પૂના મહારાષ્ટ્ર ખાતે રહેલા સુનિલ આસવાણીના લગ્ન 26 જાન્યુઆરીના રોજ લગ્ન છે. તેમણે લગ્ન માટે 9 સોનાના દાગીના બનાવવા માટે 20 તોલા સોનું તેમજ 7 લાખ રોકડા આપ્યા હતા, પરંતુ છેલ્લા 2 માસથી સોનાના દાગીના કે પૈસા નહીં આપતા અંતે દુકાન ઉપર કડક ઉઘરાણી કરતા આશરે 100 કરતાં વધુ ગ્રાહકો દુકાનને આવી જતા અંતે પોલીસને ફોન કરતા એરપોર્ટ પોલીસ ઘટના સ્થળે આવી હતી. પોલીસ ભોગ બનનાર લોકોના નિવેદન બાદ જ્વેલર્સના માલિક મળી નહીં આવતા હાલ તપાસ ચાલુ છે. મેરા ઇનકો 1,03,000 રૂપિયે દિયે હુએ 1 સાલ સે તો કંગન બનાને કે લિયે. અચ્છા કિતના ટાઈમ હો ગયા? 1 સાલ હુઆ હે. અચ્છા કિતના પૈસે દિયે હે આપને? 1,03,000. હા તો અભી યે લોગ ક્યા બોલ રહે હે? યે બોલ રહે હે અભી 10 તારીખ કો આના હમ આપકો પૈસે દે દેંગે. એસે કિતને લોગ આજ યહાં પર આયે હે પૈસે માંગને કે લિયે? મેરે હિસાબ સે 25-50 લોગ જિતને ખડે હે યહાં. ટોટલ કિતના અમાઉન્ટ હોગા જો સબકા યહાં ખાતા હુઆ હે? 40 લાખ તો હોગા હી. आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की है अभी तक? नहीं, हम आज आए हैं अभी लेने के लिए. आए थे कि हमको चाहिए, हमारे घर में शादी है. मैंने फर्स्ट डेट को 1/1/21 को इनको गोल्ड दिया था, 1/1/22 को. तब से उन्होंने पैसे ले लिए मेरे से 6,65,000 रुपये का ओल्ड गोल्ड लिया है. अभी वो पैसे भी नहीं दे रहे, 4 धक्के खिलाए मुझे ऊना से और बदतमीजी से जवाब दे रहे हैं. आपकी शादी कब है? मेरी शादी है 25/1/2022. दौलत राम मंगन दास. ये कहाँ पर आया हुआ है? सरदार नगर. पैसे लिए 2 महीना हुआ है, 1.5 लाख लिया है तो अभी तक दिया नहीं है. अच्छा. बोलते रोज कल आना. मैं 3-4 बार तो आके गई हूँ, 5 बार. 2 महीना हुआ है पक्का. किस चीज के पैसे दिए? चूड़ी के पैसे दिए, चूड़ी बनाने के लिए. अच्छा, उसकी पे रसीद है आपके पास? रसीद पक्की नहीं दिए, कच्ची दिए. ऐसे कितने लोगों का इन लोगों ने चीटिंग किया हुआ? अभी वो तो मेरे को मालूम नहीं है, मेरा लिया है पैसा. और अभी आपके साथ कितने लोग यहाँ पर आए हैं पैसे मांगने? अभी बॉस जाने आए, 30-40 जने. अच्छा, सभी का यही किया इन लोगों ने? मेरे को वो पता नहीं है, पर सब आए इसीलिए ही आए. पैसे लेके इनको जब पता ही था कि हमारा. अभी मेरे को पक्की चिट्ठी लेके दे दो. बताइए आपके कितने पैसे हैं यहाँ पे? हमारे तो 50,000 है भैया. और जब इनको पहले से ही पता था हम लॉस में जा रहे हैं तो 1-2 दिन पहले क्यों लिया? इन्होंने नहीं लेना चाहिए ना. अच्छा, सब लोगों को आसरा दे रहे हैं कि कल आना, पर कुछ मिलता नहीं है. कम से कम 40-50 लोग खड़े हैं, पर अभी इनकी प्रॉपर्टी गिरवी में जा रही है तो प्रॉपर्टी देके भी तो कैश दे सकते हैं ना सबको. ये बहुत बड़ी पुरानी ज्वेलर की दुकान है, क्या नाम है दुकान? दौलतराम मंगा था ज्वेलरी. अच्छा, कितने? हाँ है बहुत, पर लेकिन इनको पता था ना पहले से, लॉस में है ये तो नहीं लेना चाहिए ना, सबके खा गए पैसे. ब्यूरो रिपोर्ट, गुजरात टाइम्स न्यूज़.